बालाघाट जिले के लांजी तहसील के सिरे गांव पंचायत के ग्रामीण सही मायने में आज भी गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी मूल सुविधाओं से लोग वंचित हैं। लोगों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों के लिए भी है, जो चुनाव के समय आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, बदले में आश्वासन देते हैं कि उनके लिए विकास का काम किया जाएगा, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि पलट के देखने को नहीं आता। ग्राम सिरे गांव की केरे गांव लाडसा उमरी सावरी और लाडसा मेन रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के साथ साथ ग्रामीणों को भी इस सड़क के नहीं बनने का काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सिरे गांव के लोगों के लिए बारिश के समय घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ लोगों को कहीं भी जाने में परेशानी होती है। साथ ही तबीयत खराब होने पर इमरजेंसी के वक्त वाहन से गांव से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस वजह से कई लोगों की जाने भी जा चुकी है। सुविधाओं के अभाव में पलायन करने को वह मजबूर हैं। सड़क नहीं होने की वजह से गांव का विकास रेंग रहा है। विडंबना ये है कि जनप्रतिनिधि इससे बेखबर और बेपरवाह में है। छोटी आबादी होने से यहाँ के बाशिंदे हाशिए पर है। उन लोगों की बदहाली के विषय में शायद ही कोई चर्चा होती है। क्या बरसात और क्या गर्मी, हर मौसम में यहाँ के लोग हर मौसम में सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर विधायक सब रोड की बदहाली से वाकिफ है और फिर भी यही हाल बरकरार है। ये मेरा टोले की रोड है, बाला टोला बोलते हैं। तो ये रोड किस किस गांव को जोड़ती है? ये लाडसा को जोड़ती है और इधर केरे गांव को। तो ये जो दिख रहा है कि यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है एकदम रोडों में, तो ये कब से है और क्यों नहीं बन पाई? ये तो पिछले 70 सालों से सर इसका विकास ही नहीं हुआ है। अभी कुछ बात नहीं है, हमने बहुत प्रयास किया। मैं 2010 से लगा हूँ इस रोड के लिए, अभी तक के मतलब बहुत कार्रवाई किया मैंने, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो पंचायत स्तर पर इस रोड को नहीं बनाया? पंचायत स्तर पर हमने पहले प्रस्ताव में लिया था इसको, लेकिन अभी तक की स्वीकृति नहीं आई है। हम बालाघाट 2 बार जा चुके हैं और कलेक्टर महोदय से भी परमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका लेटर वेटर कुछ नहीं आया। क्या कारण है कि इस रोड के लिए अड़ंगे आ रहे हैं? अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि अड़ंगा कहाँ पर है, जबकि यहाँ पर अगर कोई मर भी जाए तो भी मतलब उसको ऐसा उठा कर ले जाना पड़ेगा, मतलब पैदल ही चलना है, गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती। ऐसे कीचड़ भरी रोड कितने किलोमीटर है लगभग? लगभग कीचड़ भरी रोड समझ लो 2.5 किलोमीटर। ढाई किलोमीटर कितने टोले हैं इस रोड? यहाँ पर एक टोला है, आगे दो टोला है और इधर लाड़ता है। तो पंचायत स्तर पे भी इसके कोई कार्रवाई नहीं? तो अब आप क्या करेंगे जो इससे रोड बनने ये आगे पंचायत स्तर पर? अब हमें देखना पड़ेगा आगे पर कहाँ पर दिक्कत है। कितनी आबादी है इस गांव की? इस गांव की लगभग 1600।